यही लालू प्रसाद यादव है जिसने अडवाणी जी को पकड़कर राम रथ को रोका था। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला आरजेडी ने चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, पाइप घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, रेलवे के होटल के आवंटन का घोटाला किया और बेनामी संपत्ति बेटे बेटियों के नाम से हम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। भाई और बहनों, ये आरजेडी और कांग्रेस दोनों घपला घोटाला करने वाली पार्टी है। मैं बताता हूं, आरजेडी ने चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, पाइप घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, रेलवे के होटल के आवंटन का घोटाला किया, बालू घोटाला किया और बेनामी संपत्ति बेटे बेटियों के नाम से अबजों रुपयों की जब्त की। मित्रों, कांग्रेस ने भी कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, बोफोर्स घोटाला, शारदा चिट फंड करने का काम भी कांग्रेसियों ने किया। और मोदी जी एक गरीब के घर से आया हुआ आदमी है, एक चाय बेचने वाले गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बना है। इतने साल हो गए, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा सकते। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अंत में भाई और बहनों, मोदी जी को एक तीसरा मौका दीजिए, 400 पार कराइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, लालू तक आवाज जाए ऐसे, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये लालू कांग्रेस सभी लोग मिलकर 75 साल से धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? यही लालू प्रसाद यादव है जिसने अडवाणी जी को पकड़कर राम रथ को रोका था। लालू जी, आप कुछ नहीं कर सकते, बिहार की जनता हमारे साथ है। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने। इसके साथ साथ मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद नक्सलवाद को भी समाप्त किया। भाई और बहनों, इस देश को सुरक्षित बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। इस देश को समृद्ध बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का उत्थान करने का काम भी केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मुझे बताइए, मैं आज इस पाटलिपुत्र की महान भूमि पर आया हूं, आने वाले दिनों में देश का चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता 40 में से 40 सीटें एनडीए को मोदी जी की झोली में डालेगी क्या? जोर से बोलिए, डालेगी क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।